डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले आपने इसी ऑनलाइन क्लास के चैनल में पीछे के टॉपिक्स पढ़े हैं, और अब जो पिछले टॉपिक्स ख़त्म हुए हैं उसमें हमने आपको होम असाइनमेंट भी दे दिए हैं, पीडीएफ भी बना के नोट भी दे दिए हैं, और अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में आप ध्यान से पढ़िए तो आपको सारे बोर्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सिलेबस हैं वो अलग मिलेंगे, और कंपटीशन के से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन भी आपको मिलेंगे। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सबसे ईजी तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा ऑनलाइन क्लास आप सभी बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। और इस ऑनलाइन क्लास के हमारे जितने भी वीडियोस बच्चों ने देखे हैं, बहुत बड़ी संख्या में सब्सक्राइब किए हैं, सारे बच्चों के सुझाव बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और बच्चों के सुझाव के कारण हमारे इंस्टीट्यूट बेला इंस्टीट्यूट का मनोबल भी बहुत बढ़ा है। और हम लोग ऑनलाइन क्लास में बहुत कुछ नया करेंगे, और आपको इतनी आसानी से वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी जिसकी कल्पना भी आप ऑनलाइन क्लास में नहीं किए होंगे। इसलिए एंजॉय करते हुए खुशी से पढ़िए, तनाव मुक्त रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में हम सबसे पहली हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। हमने आपको पिछले चैप्टर में, यहां हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, और हमने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी को यदि आप चार्ज कर दीजिए तो ज्यों ही बॉडी पे चार्ज आएगा, बॉडी के चारों तरफ एक सर्टेन स्पेस में एक स्पेशल रीजन क्रिएट हो जाता है। ये हमने आपको बताया था। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसको हमने चार्ज किया है, तो ज्यों ही ये चार्ज होगी ये अपने चारों तरफ की स्पेस में एक विशेष तरह का रीजन क्रिएट करेगा या अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक चार्ज रख दिया पॉइंट चार्ज प्लस की, और रख के छोड़ दिया किसी पॉइंट ऊपर, तो जो ही हम इस चार्ज को पॉइंट ऊपर रखेंगे इसके चारों तरफ एक विशिष्ट रीजन स्पेशल रीजन क्रिएट हो जाएगा। इस स्पेशल रीजन की ये खासियत है कि इस रीजन के भीतर आप कहीं भी जाइए, इस पूरे रीजन के भीतर कहीं भी आप जाइए तो वहां आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करेंगे इस पूरे रीजन के भीतर। इस रीजन के बाहर जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चार्ज के चारों तरफ का वो सारा रीजन जिसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फीलिंग हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस हो, उसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी चार्ज के चारों तरफ का ये जो साइडेड रीजन है यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर यदि कोई भी पॉइंट आप लेते हो, जैसे मैंने एक पॉइंट भी ले लिया, तो इसी को इनफाइनाइट कहते हैं या इन्फिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर आप जिस भी तरीके से मन करे चेक कीजिए, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करेंगे। और चेक करने का सबसे आसान तरीका है
कि आप इस रीजन के भीतर कहीं कोई दूसरा चार्ज रखिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो वो दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा या उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये तरीका है जानने का कि हम इस रीजन के अंदर कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमें महसूस हो रहा है। उसका सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया कि यदि आप जानना चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो रहा है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए कि इस रीजन के अंदर कहीं भी जहां मन करे एक दूसरा चार्ज रख दीजिए, तो निश्चित रूप से दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यही पहचान है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फील होने का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाहर का पॉइंट इन्फिनिटी है। तो अब यदि इसका डेफिनेशन देना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो ए रीजन सराउंडिंग द चार्ज ऑन चार्ज ग्रुप इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज या चार्ज ग्रुप के चारों तरफ का वो सारा ही रीजन, वो सारा इलाका जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सकें, महसूस कर सकें, उसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसके नीचे ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इन्फिनिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का हर पॉइंट इन्फिनिटी कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यवहार कैसा है, इसको हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से यह पाया गया है कि किसी भी चार्ज बॉडी के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में दो विशेष गुण होते हैं, दो विशेष नेचर होते हैं। पहला आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला गुण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो तो उस रीजन के भीतर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिए, मान लीजिए आपने यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया आपने, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कहीं भी आप कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और अपना डायरेक्शन भी होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे हम जानेंगे कितना है, डायरेक्शन किधर है ये कैसे जानेंगे, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और आगे हम आपको ट्रेन कर देंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई भी पॉइंट आपको दिया जाए और आपको जानना हो कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन किधर है, तो ये हम आपको बता देंगे। यहां सिर्फ ये जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर का डिस्कशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के विषय में हमने पहला नेचर बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी चार्ज बॉडी के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपना डायरेक्शन भी होता है। यहीं पर एक छोटी सी चीज, यदि आपसे मान लीजिए एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि राइट द नेम ऑफ थ्री वेक्टर फील्ड्स, तीन वेक्टर फील्ड के नाम बताओ, तो आप तीन वेक्टर फील्ड के नाम बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला नेचर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक
वेक्टर फील्ड है, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, यह पहला नेचर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नेचर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसको दो तीन तरह से समझ सकते हो। पहला, जैसे आप उससे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसको हमने बताया कि आप दो तीन तरह से समझ सकते हो। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो जब तक चार्ज पार्टिकल मोशन करता रहेगा उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसकी एनर्जी में ना तो कोई बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा, और ना ही उसकी एनर्जी लॉस होगी। दूसरे तरह से इसको समझ सकते हो कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मोशन कर रहा है, तो जब तक वो मोशन करता रहेगा तब तक उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी उसकी एनर्जी ना तो लॉस होगी और ना क्रिएट होगी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के ड्यू टू मोशन कर रहा है, तो उसका कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपको लगाना हो, सॉल्व करना हो, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इसी को दूसरे तरह से भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका दूसरे तरह से भी मतलब समझ सकते हो कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फोर्स के ड्यू टू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यदि डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के दौरान हमारे द्वारा जो वर्क होगा वह पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी चार्ज पार्टिकल को यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो और बहुत सारे पाथ से ले जाते हो, तो हर बार वर्क डन सेम होगा। इसको फिगर से भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है इस रीजन में, ये साइडेड रीजन हमने दिखाया है, ये साइडेड रीजन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट लिए ए और बी। अब एक चार्ज पार्टिकल मैंने लिया प्लस क्यू, और इसे हम चाहते हैं ले जाना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो मान लीजिए चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम सीधे ले गए, और सीधे ले जाने में हमने वर्क कैलकुलेट किया तो पता लगा हमने वर्क किया डब्ल्यू वन। अब यदि इसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक हम इस रास्ते ले गए और हमने कितना वर्क किया, इसको कैलकुलेट किया, तो मान लीजिए हमने वर्क किया डब्ल्यू टू। इसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक हम इस रास्ते ले गए और हमने वर्क किया डब्ल्यू थ्री। यानी एक ही चार्ज पार्टिकल को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से ए फिक्स ए पॉइंट दो फिक्स पॉइंट ए और बी हमने लिया और ए से बी तक चार्ज को ले, लेकिन हम अलग अलग पाथ से ले गए, एक बार सीधे ले गए, एक बार इस पाथ से ले गए, एक बार इस पाथ से ले, और हर बार हमने अपने वर्क को कैलकुलेट किया। अब आप यदि न्यूमेरिकली इन तीनों वर्क को देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीनों वर्क डन सेम है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले जाते हो, तो ले जाने में आप द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां आपने देखा कि इसी चार्ज पार्टिकल को हम ए से बी तक तीन अलग अलग रास्तों से ले गए,
लेकिन हर बार इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहा, तीनों बार इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहा, और हमने एक ही चार्ज को ए से बी तक तीन पाथ से अलग अलग ले गए और तीनों पाथ द्वारा किया गया वर्क सेम आया। इसका मतलब कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को यदि आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो आप द्वारा किया गया वर्क पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, चाहे जिस भी पाथ से ले जाइए, यदि हर बार इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क भी सेम होगा। ये भी एक मीनिंग हुई कंजर्वेटिव फील्ड की, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड की मीनिंग। कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसको तीसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से समझ सकते हो। मान लीजिए आपने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल हमने प्लस क्यू लिया, अब इस चार्ज पार्टिकल को हम पहले ले गए ए से बी तक और फिर लाए बी से ए तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि आप क्लोज पाथ पर घुमाते हो, यानी जहां से चले किसी भी रास्ते होते हुए वहीं आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि आप क्लोज पाथ पे रोटेट करते हो, क्लोज पाथ पे घुमाते हो, डिस्प्लेस करते हो, तो आप द्वारा जो वर्क होगा वो जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसको हमने तीन तरह से समझाया और इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, तमाम क्वेश्चंस में, एसर्शन रीजन क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में इन कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, ये पहला हमने प्रॉपर्टी बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, हमने दूसरी प्रॉपर्टी बताई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दो खास प्रॉपर्टी है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे नेचर या प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप दो बता दीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, इसका भी मतलब मैंने समझा दिया इजीएस्ट लैंग्वेज में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका भी मीनिंग हमने इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चला जाए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, या बहुत सारी बातें, ये डिस्कस करने के पहले हम लोग जरा समझें कि ये इंटेंसिटी क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो इंटेंसिटी की पढ़ाई हम क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्या है, पहले इसको समझा जाए, फिर इंटेंसिटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये समझा जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको समझा जाएगा, और फिर बाद में उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें डिस्कस की जाएगी। तो पहले हम लोग ये जानें कि व्हाई वी स्टडी इंटेंसिटी, हम इंटेंसिटी क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो बड़े सामान्य लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपको कोई दो पॉइंट दे दिए गए और पूछा गया कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किन किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, किन किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, या कोई दो पॉइंट आपको दिए गए और दोनों में आपको कहा गया कि कंपेयर करो कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कहां पे स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, किन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इस बात की भी जानकारी हमको इंटेंसिटी से ही होती है। यानी पहली इंटेंसिटी से सबसे पहली जानकारी यही होती है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड
किस पॉइंट पर वीक है, किस पॉइंट पर स्ट्रांग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वीकनेस और स्ट्रांगनेस की जानकारी भी हमको फिजिक्स की इस क्वांटिटी इंटेंसिटी से होती है। ठीक है। दूसरा, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है तो इसके हर पॉइंट पर अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है और आपसे कहा गया कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताइए और डायरेक्शन भी बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जानकारी हमको फिजिक्स के इसी क्वांटिटी इंटेंसिटी से होती है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रख दीजिए तो उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है तभी आपको बताया है कि ए रीजन सराउंडिंग द चार्ज आर चार्ज ग्रुप इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जितने रीजन में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो निश्चित रूप से उस पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर यदि हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, इस बात की भी जानकारी हमको फिजिक्स की क्वांटिटी इंटेंसिटी से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है किसी पॉइंट पर या नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दिया गया और आपको चेक करना है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है इसकी भी जानकारी हमको फिजिक्स की क्वांटिटी इंटेंसिटी से ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कहां नल पॉइंट है, कहां पे नेट इंटेंसिटी जीरो है, इसकी भी जानकारी हमको फिजिक्स के क्वांटिटी इंटेंसिटी से ही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि यदि हमें इंटेंसिटी की जानकारी है तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बखूबी समझ सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम दूसरों से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वांटिटी इंटेंसिटी है। बिना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चीज़ की चर्चा करना संभव नहीं है। यानी आप यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते हैं, तो आपको इंटेंसिटी की जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसी के हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं, समझते भी हैं। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है क्या, इसको निकालते कैसे हैं, तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम निकालेंगे कैसे, कैसे ये डिराइव किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं क्रिएट किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया गया P और कहा गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो। तो ध्यान से समझना, बहुत आसान लैंग्वेज में समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो उसका सीधा तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है वहां एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। क्लियर। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर यदि आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दो
और रखने के बाद आप ये देखिए कि टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रखिए और देखिए उस पर कितना फोर्स लगा। जितना फोर्स लगा उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, यही उस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी या इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ये कह लीजिए, ठीक। या और इंटेंसिटी को कैपिटल ई से भी लिखते हैं और आई से भी लिखते हैं, इसको आप थियोरेटिकली भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। अब इसको आप डिफाइन करना चाहें इंटेंसिटी को, तो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बयां करती है, स्ट्रेंथ बताती है। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, इसका हर पॉइंट पर अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी निकाले हो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, इसके अंदर कोई पॉइंट भी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।